Assalamualaikum viewers, welcome to हानिया लोधी किचन। व्यूअर्स, आज हम लोग हानिया लोधी किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शाशलिक की रेसिपी। तो ये एक चाइनीज़ डिश है, इसको आप लोग राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो चिकन शाशलिक बनाने के लिए हमें यहाँ पर चिकन लिया है, 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर चिकन लिया, बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पर लिया है और उसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। तो सबसे पहले चिकन शाशलिक बनाने के लिए हम चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली सॉस, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना, ये इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जितना सोया सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जितना सिरका मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूं है, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भरकर, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर, नमक मैंने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून भरकर। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब मैं तमाम स्पाइसेस को यहाँ पर मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन को हम यहाँ पर। तो व्यूवर्स, चिकन को मैंने यहाँ पर मैरिनेट कर दिया है, अब मैं इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, उसके बाद आपको चेक करवाते हैं। तो व्यूवर्स, चिकन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है, चिकन हमारा यहाँ पर अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हमारा जो चिकन है ना, इससे हम चिकन शाशलिक तैयार कर लेंगे। तो व्यूवर्स, शाशलिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जितना ऑयल गरम कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको मैं यहाँ पर सौते कर लूँगी। अच्छी तरीके से सौते कर लूँगी इसको। और इसको मैंने यहाँ पर सौते कर लिया है। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी सारा, और इसको भी मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी ऑयल में, इसका कलर चेंज होने तक के लिए मैं इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी। तो व्यूवर्स, देख सकते हैं आप लोग, चिकन का जो कलर था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप जितना केचप ऐड कर दूंगी, टोमेटो केचप है ये, नॉर्मल जो टोमेटो केचप होता है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून जितना चिली सॉस। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून जितना सोया सॉस, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी इसमें। अच्छा, मैं इसमें जो है वो नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने चिकन की मैरिनेशन की थी तो मैंने उसमें नमक ऐड किया था। इसके अलावा इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका गया है जिसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। तो व्यूवर्स, तमाम स्पाइसेस को मैंने यहाँ पर चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी के ऐड करके इसको बगैर लम्स का तैयार कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको। दो मिनट के लिए मैं इसको इसमें पका लूँगी ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो दूर हो जाए इसमें से। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है वो मैंने 2 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर को यहाँ पर पका लिया था हमारे चिकन के साथ। तो देख सकते हैं आप लोग, इसकी जो शाशलिक की जो ग्रेवी है यहाँ पर वो अच्छी से तैयार हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर कुछ 1 अदद प्याज मैंने यहाँ पर ली मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया। देख सकते हैं आप लोग, सेम इसी तरीके से आपको भी कट करना है। 1 अदद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली, उसको भी मैंने इसी तरह क्यूब्स में कट कर लिया, और 1 अदद टमाटर को भी मैंने यहाँ पर क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और मिक्स कर लेंगे हम इसको यहाँ पर।
अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप लोग, एक मिनट हो चुका है यहाँ हमारी वेजिटेबल्स को यहाँ पर शाश्लिक में पकते हुए। तो देख सकते हैं आप लोग प्याज का जो कलर था वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है और जो हमारी शाश्लिक है वो तैयार हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो व्यूवर्स देख सकते हैं आप लोग, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चिकन शाश्लिक, जिसको हमने बहुत ही आसानी से घर में बनाकर तैयार किया है। इसको मैं यहाँ पर चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ, राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसको ज़रूर घर में बनाकर ट्राई करें, मेहमान आए तो मेहमानों के सामने बनाकर सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।